नहीं बेचना है, 400 पार करनी है या नहीं करनी है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान के सह प्रभारी और मेरे मित्र श्री प्रवेश वर्मा जी, महंत बाबा बालकनाथ जी, श्री सुरेश रावत जी, श्री संजय शर्मा जी, डॉक्टर जसवंत यादव जी, श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, श्री संजय नरुका जी, रोशन सैनी जी, उम्मेद भाया जी, श्री अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर करण सिंह यादव जी, और आज अलवर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले भगवान भर्तृहरि जी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा नीलकंठ महादेव और नीलकंठ महादेव में विराजे हुए सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा मोहनदास जी, श्री शीतलदास जी, संतदास जी और महाराज खेतानाथ जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और ये वीर भूमि है, यहां के हर एक घर से वीर माताओं ने अपना बेटा देश की रक्षा करने के लिए भेजा है और यही के सपूतों ने देश को सुरक्षित करने के लिए भेजा है। भाइयों और बहनों, आज मैं इस वीर भूमि के महान योद्धा शिषपाल सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो वीर भूमि है, इसके जवानों को और वीर माताओं को, वीरांगनाओं को मैं कहने आया हूं, 40-40 साल से कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था इंदिरा जी के जमाने से, मगर उसको पूरा नहीं किया था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर सारे हमारे जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। मित्रों, आज मेरे मित्र और भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव जी के प्रचार में मैं आया हूं। भूपेंद्र जी, इन्होंने मेरे साथ संगठन में भी काम किया है और सरकार में भी, मोदी जी की कैबिनेट में हम दोनों हैं। यहां बहुत सारी माताएं घर में एक मटकी लेकर लेने जाते हैं तो बरोबर उस पर टकोरा लगाकर देखते हैं पक्की है या कच्ची, देखते हैं या नहीं देखते हैं। भाई जरा बोलो तो, देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो 150-200 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हैं,
लोकसभा में प्रत्याशी भेजना है, टकोरा लगाकर भेजना। भाई और बहनों, ये मटकी को, ये भूपेंद्र जी को, ये प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। भाई और बहनों, मैंने उनको जब वो नामांकन भर रहे थे, शुभकामना के लिए फोन किया। बड़ा पक्का व्यापारी है, वैसे तो यादव है मगर बनियों से भी पक्का है। उसने मुझे कहा, भाई साहब शुभकामना से नहीं चलेगा, खैरथल का विकास होगा तभी मैं नामांकन कर जीत कर आऊंगा। अब चुनने से पहले ही अपने मत क्षेत्र की चिंता करे, ऐसे लोगों को बहुत बड़े बहुमत से चुनकर भेजिए। इस क्षेत्र को हरा भरा करने में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। भाई और बहनों, ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मुझे एक बार आप लोग जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही, राम मंदिर नहीं बना। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 19 से 24 में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी समाप्त कर दिया। और इस 17 तारीख को 525 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपना बर्थडे, रामनवमी, ये भव्य मंदिर में मनाएंगे। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, परंतु जब भूमि पूजन होता था हमने निमंत्रण भेजा, राम जन्मभूमि न्यास ने निमंत्रण भेजा, तो उन्होंने जाने का भी पसंद नहीं किया। एक कांग्रेस पार्टी हमारे गौरव केंद्रों का रक्षा नहीं कर सकती। भाई और बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, केदार धाम, बद्री धाम को नए सिरे से बनाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने हमारे सभी मान बिंदुओं को ये 10 साल के अंदर पुनर्जीवित करने का काम किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस के अध्यक्ष यहां आए थे, उन्होंने राजस्थान में कहा, ये राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? मैं आज पूछने आया हूं अलवर में, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, खड़गे जी को सुनाई पड़े ऐसे, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी इतने सालों से वोट बैंक की लालच में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल शासन किया,
सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। मोदी जी ने उनके समय में उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त किया, यूसीसी को उत्तराखंड में लाने का काम किया, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया और ढेर सारे देश के 70 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम किया है। भाइयों और बहनों, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने अपना घर में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। भाई और बहनों, मैं जानता हूं ईस्टर्न राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, मुझे बताओ है या नहीं है? भाई जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं आज आपको एक बड़ी बात कहकर जाता हूं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये मोदी सरकार का गारंटी है, ये जल्दी पूरा होने वाला है। ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होते ही ये पूरी पानी से सूखी धरती हरी भरी हो जाएगी और मेरे किसान भाई, मवेशी रखने वाले पशुपालक और माताओं को घर में पानी लाने की किल्लत, 500 साल की किल्लत समाप्त होकर समग्र क्षेत्र में समृद्धि और हरियाली आ जाएगी। एक कांग्रेस पार्टी नदियों को जोड़ने का विरोध करती है, आप घबराना मत, मैं कहकर जाता हूं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यहां पर आएगा और अलवर में, पूरे अलवर में पानी पहुंचाएगा, आप जरा भी चिंता मत। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट से अलवर को पानी नहीं मिलेगा। मैंने भजनलाल जी से खराई करी है, हर एक गांव में, गांव छोड़ दीजिए, हर एक धाणी में, हर एक घर में पानी पहुंचेगा, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी पार्टी है, पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने सालों तक अन्याय किया, काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट को दबाकर रखा, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाकर रखा, मोदी जी ने आकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र के सारे दाखिलों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ जोर से ताली बजाना, हमारे देश को समग्र दुनिया में हमारा नाम रोशन करने वाले स्वयं मोदी जी, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और 27 से ज्यादा ओबीसी मंत्री आज मोदी जी की कैबिनेट में। भाई और बहनों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित करना, तुष्टिकरण को समाप्त करना, इस दिशा में आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लिया है, इसके कारण
बेटियों के जन्म दर में भी वृद्धि हुई है और बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी है, परंतु कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली है। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पा रही है। मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को, बचाओ पढ़ाओ को हम आगे ले जाएंगे। भाई और बहनों, मैं जब यहां पर आया हूं तब एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी गलत फहमी फैला रही है विशेषकर दलित और आदिवासी भाइयों में कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आरक्षण चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। हम ना आरक्षण समाप्त करेंगे ना किसी को समाप्त करने देंगे। एक कांग्रेस पार्टी झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की बात करती है। मोदी जी स्वयं आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। भाई और बहनों, मुझे बताओ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, बनाओगे? देश को सुरक्षित करेंगे? देश को समृद्ध करेंगे? मेरे मित्र और भाजपा नेता भूपेंद्र जी आ गया, ये भूपेंद्र जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए जरा दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी।